हेलो एवरीवन। तो आज फिर एक रूडो के नए क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन को लाने का खास पर्पस है कुछ, और वो खास पर्पस ये है कि जनरली मैं क्या देखता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज किया जाता है, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला है, मतलब आप सबने ही देखा होगा, और नहीं देखा तो जान लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा जानने में कोई बुराई नहीं है। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx2, ये जनरली रहता है, और ये फॉर्मूला कई लोगों को पता भी रहता है। मेरा कहना ये है कि इस फॉर्मूले के बिना भी आप किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। केवल इसी पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब कैसे, ये दिखाने के लिए मैंने रूडो का क्वेश्चन लिया, इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.42, और इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले के बिना आंसर निकाला जा सकता है। तो बात आती है सर जी, ये बताइए कि आखिरकार हम क्यों जरूरी है, मतलब हम अगर फॉर्मूला याद है हमको और उससे काम चल रहा है तो हम क्यों उसको पढ़े। मैंने कहना है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, वो तरीका आपके लिए जानना भी जरूरी है, मेरा ये मानना है। तो देखते हैं बच्चों आखिरकार क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1.42 आपके सामने, और इसमें पार्ट ए है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्ट्री वाई एक्स विद वेलोसिटी वी हुज मॉडुलस इज कॉन्स्टेंट। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट x = 0 एंड द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट दैट पॉइंट इफ द ट्रेजेक्ट्री हैज द फॉर्म फलाना ढिकाना, जो भी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सुनना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका है जो रोडो आपसे जबरदस्ती निकलवा रहा है। एक्चुअल में स्पीड देने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद एज्यूम कर लीजिए कि आपके कर्व पर एक पार्टिकल बी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है भैया, क्योंकि क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मैथमेटिकल क्वांटिटी ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्व। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग ऑन दैट कर्व। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इसने स्पीड वी दी जरूर है, लेकिन आंसर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आंसर में वो स्पीड वी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो एक्सिलरेशन पूछा है उन्होंने, उसमें वी का यूज होगा, इस कारण से इन्होंने वी दी है। लेकिन हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं गुरुजी? हम ये कर सकते हैं, आज के बाद आपसे किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए तो आप अपने मन से उसमें एक पार्टिकल को चला दीजिए, ये मानते हुए कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक। और फिर देखते हैं कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो पहले ए पार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा ए पार्ट, मैं बना रहा हूं पैराबोला, क्योंकि ए पार्ट में पैराबोला बनाया गया है और x = 0 पर पूछा गया है। हालांकि बनाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए जरूरी रहता है बच्चों। तो dy/dt इसको डिफरेंशिएट करिए ताकि हमको एक्स और वाई वाली वेलोसिटीज में रिलेशनशिप आ जाए, dx/dt। अब आपको पता है कि इस इंस्टेंट पर dx/dt ही होगा, dy/dt होगा नहीं। पहली बात ध्यान से सुनना, dx/dt की वैल्यू इस इंस्टेंट पर, मतलब x = 0 पे अगर मैं बात करूं तो v के बराबर होगी। दूसरी बात, dy/dt की वैल्यू x = 0 पर 0 होगी। तीसरी बात, d2x/dt2 की वैल्यू x = 0 पर 0 होगी। बताओ क्यों? वो इस कारण से क्योंकि x एक्सिस का मतलब इस समय ये है कि इस कर्व पर x = 0 पर टेंजेंट, x = 0 पर स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, एंड d2x/dt2 इज द डेरिवेटिव ऑफ स्पीड, मतलब dvx/dt कह सकता हूं इसको। नाउ द dvx/dt इज स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, अब इन इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं। एक बार और डेरिवेटिव लेता हूं, d2y/dt2 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या आएगा, x का डेरिवेटिव dx/dt होगा, तो dx/dt का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
एक्स को कांस्टेंट लेते हैं और डीएक्स बाई डीटी का क्या हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। अब इसको यहां से उठा लेते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, इस जगह ले जाते हैं, वरना मेरा चेहरा छुप जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है, डी एक्सिलेशन इज बेसिकली डी टू वाई बाई डी टी टू। ये चौथा पॉइंट है कि नेट एक्सिलेशन केवल और केवल डी टू वाई बाई डी टी टी टू ही होगा एट एक्स बराबर जीरो, क्योंकि उसका डायरेक्शन सिर्फ ए वाला होगा, टेंजेंशियल एक्सिलेशन है नहीं। ठीक है। अच्छा तो एक्सिलेशन एट एक्स बराबर जीरो, तो जरा एक्स बराबर जीरो पर हम देखें, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले चार पॉइंट ऊपर वाले देखिए, ये टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो बचेगा केवल टू ए, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी उस इंस्टेंट पर, वी। तो टू ए वी स्क्वायर, क्लियर। अब टू ए वी स्क्वायर अगर आ गया है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इस साइड जा रहा हूं मैं, ओहो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी, टू ए वी स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये टेंजेंशियल तो जीरो है, केवल नॉर्मल ही है, और इसको इक्वेट कर देंगे वी स्क्वायर बाई आर से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई 1/2a। ये है पार्ट ए, खत्म। अब पार्ट बी पर आते हैं बच्चों। ये वाला ए से कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, ये एक्सिलेशन है तो इसको ए डबल सी लिख देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, वरना ए और ए पता चला कुछ लोग ए और ए को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बी पार्ट करते हैं। अब तो मेरे हिसाब से बी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बी पार्ट होगा एक इलिप्स, एक्स बराबर जीरो, ये दो पॉइंट होंगे। जरा शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर वन। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा बच्चा पार्टी, इसका डेरिवेटिव आएगा टू एक्स बाई ए स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस टू वाई डी वाई बाई डी टी अपॉन बी स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी इज कमिंग आउट टू बी माइनस एक्स अप बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी। फाइन, यहां पर भी वो बातें ध्यान रखने लायक हैं कि यहां पर पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यहां पर भी वो सारे पॉइंट अभी भी वैसे ही वैलिड है। एट एक्स बराबर जीरो बच्चों डीएक्स बाई डी टी वी के बराबर है, डी वाई बाई डी टी जीरो के बराबर है, क्योंकि सारी की सारी स्पीड एक्स एक्सिस के अलोंग है। डी टू एक्स बाई डी टी टी इज जीरो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सिलेशन जीरो है, एंड टोटल एक्सिलेशन इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी टी टू, विच इज नॉर्मल एक्सिलेशन एक्चुअली। क्लियर, हो मजा आ गया। तो फिर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहां तक हम पहुंच चुके हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ चुकी है। यहां से डी वाई बाई डी टी हमको पता चल चुका है इन टर्म्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी रह गया था मेरा, तो डी एक्स बाई डी टी के टर्म्स में डी वाई बाई डी टी आ चुका है। अब मुझे निकालना है एक्सिलेशन, ताकि मैं उस नॉर्मल एक्सिलेशन को वी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट कर सकूं। क्लियर, चलिए सर वो निकाल के देख लेते हैं। तो दोबारा से डिफरेंशिएट किया, दोबारा से डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर करना शुरू करता हूं, तो डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल्स टू माइनस बच्चा पार्टी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, पहले एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाई वाई, वन बाई वाई डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाई का डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे, एक्स को एज इट इज लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल याद है ना, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, अरे वाई की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव, डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी टी, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, प्लस एक्स बाई वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स बाई डी टी का डेरिवेटिव डी टू एक्स बाई डी टी टू, ये आ गई कहानी। और पता है इंटरेस्टिंग बात, वो ये कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये कैसे, अरे एक्स बराबर जीरो की बात चल रही है, या फिर डी एक्स डी वाई बाई डी टी जीरो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, लीजिए साहब नॉर्मल एक्सिलेशन है आपके सामने, दैट इज वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वन बाई वाई एट एक्स बराबर जीरो। जरा चेक करिए, एक्स बराबर जीरो पर वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी के बराबर ही होगी, तो बी रख दीजिए प्लस माइनस कोई भी, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है तो बात अलग है, वरना मैं प्लस माइनस बी इसको रख सकता हूं। नाउ व्हाट इज डीएक्स बाय डीटी, दिस इज वी स्क्वायर।
सो मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट वी हैव टू इक्वेट वी स्क्वायर बाय आर टू द नॉर्मल एक्सेलरेशन. सो वी आर पुटिंग वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू बी बाय ए स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर. सो वी गेट आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी. खत्म, खलास, हो गया, बस इतना ही था. और देख लीजिए, हमको जरूरत नहीं पड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर के उस फॉर्मूले की जिसकी मैं बात कर रहा था. तो उम्मीद करता हूं कुछ नया सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन में, और इसी तरीके से मैं सोल्यूशन लाता रहूंगा, कुछ बढ़िया बातें बताता रहूंगा. आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू.